धन त्रयोदशी पर क्या खरीदें? जाने खरीदारी का शुभ मुहूर्त, जाने पूजा का शुभ मुहूर्त ज्योतिषाचार्य से। हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार का बहुत महत्व है। दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी धन त्रयोदशी धनतेरस के दिन से की जाती है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन हुआ था और मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसे में इस दिन भगवान धन्वंतरी देवता के साथ धन दौलत के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन कैसे करें भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा और क्या है इसका महत्व? धन त्रयोदशी की जो खरीदारी की जहां तक बात है, इस दिन सोने चांदी से संबंधित खरीदारी कर सकते हैं आप। कुछ लोग लोहे की वस्तु भी खरीदते हैं, लेकिन लोहे की वस्तु चूंकि शनिवार के दिन पड़ रहा है, इस दिन लोगों को परहेज हो। आप सोने की वस्तु भी खरीद सकते हैं, इस तरीके की कोई दोष नहीं पाया जाता है। एक बार और अगर विशिष्ट एक चीज और विशिष्ट अगर कर लें कि कोई भी आपके घर में कोई भी व्यक्ति वृषभ लग्न का, मिथुन लग्न का, कन्या लग्न का, तुला लग्न का, मकर लग्न का, कुंभ लग्न का अगर व्यक्ति है, उसके हाथ से आप सोने की लोहे की खरीदारी कर दवा दें तो वो एक अत्यंत शुभ कार्य हो जाएगा। आप 4:33 से खरीदारी शुरू कर सकते हैं। रात्रि के 10:55 तक 22 तारीख को खरीदारी करेंगे। 23 तारीख को सुबह 7:41 से 9:01 तक एक मुहूर्त है। फिर 9:02 से लेकर के 1:20 दोपहर तक एक मुहूर्त है। और फिर 2:40 से लेकर के 4:01 तक एक शुभ मुहूर्त है। यानी 22 की खरीदारी भी कर सकते हैं और आप 23 की भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन पूजन जो करना है आपको वो 22 तारीख को ही पूजन करना है। फिर से एक बार आपको बता दूं, शाम के 6:44 से लेकर रात्रि के 10:55 तक और निशा काल की पूजा रात्रि 1:12 से लेकर के 3:26 तक होगा। आप सबको धन त्रयोदशी की बहुत बहुत मंगल कामना।